वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कवि रतन सिंह जी पंगू जी के मुताबिक 18वीं सदी की जिहड़ी एक सैक्ट सी हरभगत निरंजनी जिन्हां नूं कहा जांदा सी, बाबा हंदाल तो चलिया, किवें उन्हां ने सिख पंथ नाल धलो कमाया, उहदा जिक्र किया। अगे उन्हां दे होर धरो बारे भी उह जिक्र करदे ने कि इह चुगली करदे सी, सिखां नूं गिरफ्तार कराउंदे सी मुगलां दे कोल, मुगलों के नाल सहचार रखते सी। कवि जी कहिंदे कईआं ने देवें लाहौर पहुँचाए, कई सिखां नूं लाहौर पहुँचा देंदे सी आप फड़ के, उनके इनाम आप लै खाए, क्योंकि उन्हां समें दे विच सिखां दे सिरां दे मुल जिहड़े आ रखे गए सी, ते इह सिखां दे सिर वढ के लाहौर भेजदे, उत्थों नाम लैंदे, ते जां इह मुगल फौज नूं बुला के सिख पकड़वा देंदे ते कतल करवाउंदे लाहौर भजवा के, ते फिर उहदा इह इनाम जिहड़ा है उह आप खांदे। दस कर सिंघन घर पिंडों फड़ावें, कहिंदे तुरकां नूं दस के इह घर बैठे सिखां नूं जिहड़ा है उह फड़ा देंदे सी, जिहड़े गृहस्थी कारोबारी खेतीबाड़ी करन वाले सिख सी उह बहुत इहनां ने मरवाए। फौज गैल बहुत तुरकां रखावें, ते मुगलां ने इहनां दे नाल कुझ अपने सिपाही जिहड़े आ इहनां दी हिफाजत वास्ते रखे हुए सी तां कि इहनां नूं कोई मारे ना। उन दोए बार साडो पिंड लुटायो, कवि जी कहिंदे साडा पिंड जिहड़ा ना माड़ी कंबो की, उह वी कहिंदे भाई सुखा सिंह का पिंड सी माड़ी कमों की, ते भाई महताब सिंह का पिंड सी मीरा कोट। मीरा कोट कहिंदे साडा पिंड जिहड़ा सी उह दो बार जिहड़ा सी इन्हां ने लुटिया सी, दो बार लुटवाया सी मुगलां तों। बाप दादो उन साडो कढ़ायो, साडे बाप नूं साडे दादे नूं इन्हां ने कहिंदे जिहड़ा सी दादा नूं भाई महताब सिंह नूं इन्हां ने शहीद करवाया सी, और इन्हां दे जिहड़े पिता सी भाई राय सिंह जी उन्होंने भी जिहड़ा इन्हां ने कटवाया सी। ठीक है, वाहिगुरु की कृपा सी कि वह बच गए सी, छोटे छोटी उम्र दे विच बच्चे सी हजे, जदों हरभगत निरंजनिया जिहड़ा है लाहौर तो फौज लैके मीरांकोट दे विच वड़िया सी, ते उत्थे फिर इन्हां दा जिहड़ा परिवार सी भाई महताब सिंह जी दा, जिन्हां ने मस्सा रंगड़ दा सिर वड़िया सी, ते उस परिवार दे उत्ते इन्हां ने तुरकां तों हमला करवाया सी। उस हमले दे विच इन्हां दे पिता उस वेले बाल अवस्था च सी, जख्मी होए सी। तां कहिंदे बाप दादो उन साडो कढ़ायो, उसके मगर जो पड़ोते पए, कहिंदे फिर इन्हां तों पिछों जिहड़े इहदे पड़ोते होए हरभगत निरंजनीए दे जिहड़े पड़ोपोतरे होए, किरपाल दयाल जिस नामे ठाए, कहिंदे इक दा नाम किरपाल सी इक दा नाम दयाल सी, वह अहमद शाह के मूहरे ताए, कहिंदे इह अहमद शाह अब्दाली दे मूहरे मूहरे चलदे हुंदे सी, वी आओ तुहानूं असीं राह दसदे हां, तुहानूं दसदे हां कित्थे कित्थे सिख बैठे ने। उन होए आगू बहु सिंघ मरवाए, इन्हां ने अगे हो के अहमद शाह अब्दाली तों वी बहुत सारे सिख मरवाए सी। ਭਇਓ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਲੇਰਾ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ 20-30 ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਥਾਈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35,000-30,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਸਿੰਘਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਆਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਨ ਤੇਊ ਬਚਾਏ, ਜਬ ਖਾਲਸੇ ਦਇਓ ਸ਼ਾਹ ਨਕਾਲ, ਉਨ ਕਰੀ ਰਸਾਈ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਤ ਦੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਮਦ ਪਇਓ, ਉਹਾਂ ਮਦਦ ਗਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਮਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾਲ ਮਗਰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਫਿਰ ਬਹਿਓ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਦਾਸ, ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤ ਪਏ, ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤ ਪਏ, ਉਹ ਵੱਡ ਖਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੋਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਵੱਡੋ ਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਵਹਿ ਖਾਏ ਬੱਕਰੋ ਇਕੱਲੋ ਮਾਨ, ਇਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੋ ਕਾਮੀ ਵਹਿ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਧੀ ਬਹੁ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਰਹੇ ਸੰਕਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੀ ਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਧ ਉਨ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ
सिक्खी रखनी मेरी जड़ी है, मैनू मनना बहुत औखा है भाई, वालो निक्की खन्यो तिखी। ये तो गुरु नानक साहब की सिक्खी की गल है, लेकिन ये पंक्ति जी है ना, ये आपदे ते ढुका के ते अपने लोगों को कहता कि भाई खंडे की धार नालों औखा है भाई, मैं गुरु मन के ते मेरी सेवकी नू कमाउणा। वेद शास्त्र कह मद है लिखी, वेदा शास्त्रां दे विच भी कहा बहु बेटी है कितनक बात, इस करके बहु बेटियां जिहड़ियां भेट करनियां ये किन्नी औखी गल है। मतलब ये अपने ही अनुयायियों ने, अजकल भी असं देखते हैं ऐसे बूबने साध जिहड़े आ पैदा होए जिन्होंने अपने ही श्रद्धालुओं दियां बहु बेटियां जिहड़ियां वो अपने डेरियां दे विच अर्पित करवाइयां। उस वेले भी यह करवाउंदा सी, फर्क सिर्फ इन्ना कि अज ढंग होर है, लेकिन उस वेले ढंग तरीके होर सी। तो यह प्रचार करता सी भी भाई मैं तुहाडा गुरु हाँ तो मैनू तुसी भेटा करो, बहु बेटियां किड्डी वड्डी गल है, जे सेवकी रखनी है तो बहुत कुछ गुरु नूं भेट करना पैंदा। बहु बेटी है कितनक बात है परमार्थ सिखी बख्यात, आद अंत जो होती आई या मैं भरम ना मान्यो राई, भरम ना करो भाई, ये तो आद अंत तो हुंदा है, लड़कियां भेट करते रहे हैं। ये गलत प्रचार जिहड़ा है, गंदा प्रचार जिहड़ा है, ये अपने लोगों च करदा सी। ना सिर्फ प्रचार करता सी बल्कि लिख लिख के भी कहिंदे एक किताबां दे विच जिहड़ा अपने चेलिया चपटियां नूं वंडदा सी। जन्म साखी आप तरी बनाए कहो संगत देख लो वाए, तां कहिंदे जे नहीं यकीन तां इहदियां लिखियां लिखतां जिहड़ियां तुसीं पढ़ के देख लो, उहदे च सारा कुछ लिखिआ। रतन सिंह भंगू कहिंदे ने हो सकदा रतन सिंह भंगू दी नज़र दे विच इहदियां कुछ लिखतां पईआं होण ते इहनां ने पढ़ियां होण ते कहिंदे ने जे नहीं यकीन मेरी गल दा ते इहदियां लिखतां पढ़ के तुसीं देख लो, ये गलत गल्लां जिहड़ियां इह करदा सी इह लिखदा भी सी। मुखत नियामत बेकदर गए सो इम ही बाद, पापी दुष्ट निंदक महा उन पई ना अग औलाद। पर यह शरणदास ऐसा निंदक पापी निकलिया कि इहदे मुड़के अगे औलाद जिहड़ी है वह ना हो। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਣੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਹਰਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।